प्रदेश धधक रहा है, लोग परेशान हैं, व्यवसाय ठप हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं गुर्जर आरक्षण मामले का सच। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन फिर तेज हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं गुर्जर आंदोलन का सीधा संबंध भाजपा से है? आइए हम आपको बताते हैं गुर्जर आंदोलन के पर्दे के पीछे की हकीकत, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्यों है मोदी खामोश? क्यों नहीं सुन रही गुर्जरों की पुकार केंद्र सरकार? राजस्थान में भाजपा खेल रही ओछी राजनीति। भोले भाले गुर्जरों को बरगला रहे भाजपा नेता। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, पर राजस्थान में रेल की पटरी गुर्जरों के आक्रोश की आग से तप रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में आरक्षण की मांग के साथ गुर्जर समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश की आम जनता परेशान हो रही है। वहीं भाजपा और उसके नेता प्रदेश की भावनाओं से खेलते हुए भोले भाले गुर्जर समाज के लोगों को बरगलाने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री गुर्जर नेताओं को समझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका काम हमेशा भड़काऊ भाषण देते थे, यहाँ तक पहुँचे वो लोग, तो उनका तो तरीका काम करना वही है, हमारा तरीका वो नहीं। हम सत्ता में आते हैं तो हम नहीं चाहते कि खाली बस राजनीति करने के लिए किसी को भड़का दो। हमने 5 साल तक वैसला जी को कभी नहीं भड़काया कि आप आंदोलन में उतर जाओ, और वो भड़काते हैं तो वो उनकी फितरत है ये। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा गुर्जरों को कठपुतली की तरह उपयोग में ले रही है। भाजपा जानती है कि इसी तरह प्रदेश का माहौल बिगाड़ कर लोकसभा की कुछ सीटों को अपने पाले में ले सकती है, लेकिन भाजपा की इस ओछी मानसिकता का भुगतान प्रदेश की आम जनता और भोले भाले गुर्जर समाज के लोगों को करना पड़ रहा है।